ठीक है ओके। तो इसमें जो मूवमेंट्स हो रहा है वो कमर का मूवमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं गाइड कर रहा हूँ, आप इसको फॉलो कीजिएगा और आप भी देखिएगा, ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल योशी ट्यूटोरियल। और आज हम देखने जा रहे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका स्टेप्स, ठीक है, कि किस तरीके से मूवमेंट्स करते हैं वो और कैसा होना चाहिए मूवमेंट्स डांस का। तो आप भी देखिए ओके, और समझिए कि किस तरीके से डांस को किया जाता है, उसका मूवमेंट्स कैसा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। एक एक स्टेप का मैं आज आपको फुल डिटेल में मैं बताने वाला हूँ ओके। तो वीडियो को फुल ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो, हाँ नमस्ते। तो गाइज ये हमारे अभी स्टूडेंट है, प्रेजेंट है, जो बिल्कुल अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं। और तो आज मैं इन्हीं का मैं जो गाना चल रहा है, कौन सा गाना चल रहा है आपका, चने है ना, चने के खेत में ओके। उसका आप सिग्नेचर स्टेप बताओ, क्या है सिग्नेचर स्टेप, चने का खेत का सिग्नेचर स्टेप क्या है, ये करके दिखाओ ओके। आप बताओ, ठीक है ओके। तो इसमें जो मूवमेंट्स हो रहा है वो कमर का मूवमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं गाइड कर रहा हूँ, आप इसको फॉलो कीजिएगा और आप भी देखिएगा, ठीक है। ठीक है, इसका मूवमेंट करने के लिए क्या होता है कि पैर का मूवमेंट, क्योंकि बहुत ऐसे मूवमेंट्स हैं जो लोग नहीं कर पाते हैं ओके। तो हमारे व्यूवर्स और हमारे सब्सक्राइबर भी इस चीज़ को सीख पाएंगे, तो आप भी सीख सकते हैं ओके। देखिए, तो पैर का सबसे पहले मूवमेंट है कि टो को, जैसे ही टो को हम नीचे रखेंगे वैसे ही क्या होगा, कमर अप होगा, ठीक है, और फिर डाउन होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसमें टर्निंग राउंडिंग भी है, तो राउंडिंग का क्या है प्रैक्टिस, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब इसके साथ हाथ, तो हाथ का क्या मूवमेंट है, वो ऐसे हाथ है, दोनों थम्स को अप कर लेंगे ओके, ऐसे अप, ठीक है अप। और बिल्कुल ये नहीं कि ऐसे छोटा होना चाहिए, ये बैंड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ओपन होना चाहिए। और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स, ठीक है। तो हमने क्या बताया, 1 2 3 4 ये करेंगे और इसके साथ हम कमर का बीट करेंगे। तो दोनों मूवमेंट ऐसे रखेंगे, हाथ का, हाथ को ओपन कर लेंगे और कमर का भी लेंगे, ठीक है। पहले एक ही जगह पे करो, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आया। अब इसको हम सर्किल करेंगे, ठीक है, रेडी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से सर्किल भी किया है ना, तो इस का मूवमेंट जो है बारीकी तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद ही हो पाता है, कितने लोगों को ये स्टेप नहीं भी होता है। जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट है जो बिल्कुल अभी नन डांसर है, तो उसको मैं अभी दिखाता हूँ आपको बुला। तो अभी जो मैंने स्टेप बताया वो क्या वो आप समझ पाई, कैमरा के बैक आप समझ रहे थे ना, तो दिखाई तो कैसे करना है। तो देखा गाइस ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कैमरा के पीछे है फिर भी ये कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत ऐसे बहुत लोग को प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन इसमें बारीकी समझना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने क्या किया कि जब हाथ मार रही थी ऐसे तो कमर भी आगे की ओर जा रहा है, सिर्फ आगे की ओर जा रहा है, ठीक है, जबकि अप एंड डाउन होना चाहिए, 1 2 3 4, देखिए ये जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन इनका सिर्फ फ्रंट की ओर जा रहा है, 1 2 ओके। तो बिल्कुल अभी न्यू है तो इसलिए अभी ये सीख रही हैं, और आशा करते हैं कि जल्दी आप क्लास में सीखिए ओके, और फिर हमारे साथ आप भी आइए, ठीक है। तो गाइज इसी तरीके से बहुत ऐसे सारे हमारे गर्ल्स हैं जो कि उनसे ये स्टेप नहीं कर पाते हैं ओके।
ये स्टेप क्या, और भी बहुत सारे स्टेप है जो नहीं कर पाते हैं। तो हम यही बताना चाहेंगे कि अगर आप कहीं भी सीखते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप सीखते हैं, तो बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल बारीकी तरीके से अपने टीचर से एक एक स्टेप पूछें, एक एक स्टेप पूछें। अगर क्राउड है तो आप अलग से आप उनसे बात करके बोलिए कि सर मुझे ये स्टेप नहीं आ रहा है, या मैम मुझे ये स्टेप नहीं आ रहा है। आप बारीकी तरीके से उनसे बात करके सिंगल आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, या फिर वीडियो बना करके उनसे मांगिए कि हाँ मुझे ये वीडियो दे दीजिए, मैं इस पर प्रैक्टिस करूँगी। फिर भी अगर आपसे नहीं हो पाता है तो फिर आप इंस्टीट्यूट स्टूडियो में जाइए, वहाँ जा कर के फिर आप उस चीज़ को रिवाइज कीजिए। एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, आप उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए जब तक आपका वो स्टेप क्लियर ना हो जाए। जब क्लियर हो जाएगा ना आपका स्टेप, तो आपका डांस बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मेहनत सिर्फ एक बार होता है, ठीक है। और एक बार करने से आपके दिमाग में वो सारा डांस स्टेप का नॉलेज आ जाएगा, आपके अंदर वो बॉडी मूवमेंट आ जाएगा, आप समझ जाओगे कि डांस किया कैसे जाता है। ओके, तो चलिए फिर मैं आगे, अब मैं बता रहा हूँ फिर से। तो ये हाथ को ओपन किया, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 नहीं, अब हाथ का मूवमेंट क्या है कि दोनों अप एंड डाउन होना चाहिए, ठीक है, दोनों अप एंड डाउन, ठीक है। रेडी, आप थोड़ा आकर 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। तो गाइज ये कुछ बातें थी जो डांस का था रिलेटेड, ओके। और अगर आप भी एक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल्स पे और भी नॉलेज आपको डांस का मिलता रहेगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।